मामा के हैं वो तो कलंक हैं मामा के नाव पे। मामा कलंक हैं वो तो मामा है कंस मामा। ये नहीं, मैं ग्वालियर से कांग्रेस पार्टी से हूँ जी, और केवल यादव हूँ मैं, इसलिए मिलने आया और अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं जरा जाके देखो कितने जो बेरोजगार फिर रहे हैं जी। मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने को जा रही है, आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले। वीडियो वायरल हुआ था, आदिवासी के सर पे टॉयलेट कर रहा था जी। ओनली यूपी और एमपी नहीं, बीजेपी तो सारे देश में जी। बीजेपी नाम ही कलंक हो गया है अभी। समाजवादी पार्टी का कोई नॉर्मली स्तर ही है जी, लेकिन इस बार कांग्रेस की लहर है और कमलनाथ। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन इस बार कितनी सीटें जीतेगी? लगभग 65-70। ना जी को जानते ही होंगे? बिल्कुल जानते हैं। कैसे लगते हैं वो? लगते क्या है, वो तो हम उनको देख के ही बना के जाते हैं बहुत बेंगाल। ऐसी क्या बात हो गई? अरे बाबा जी तो बाबा जी हैं, वो तो क्या, वो तो बेच जाएंगे देश को। ठीक, नमस्कार, मैं समीर अहमद हाशमी और आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। एक बार फिर से हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने। लगातार बुजुर्गों से चाहे युवाओं से बातचीत हो रही है और यहाँ पर दो युवा हमारे साथ मौजूद हैं जो ग्वालियर से आए हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? विवेक यादव जी। विवेक जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए आए हैं? बिल्कुल, ग्वालियर से आया हूँ मैं जी। क्या बातचीत हुई? बातचीत हुई, मैंने मिला भी उनसे, मिलके भी अच्छा लगा जी। पहली बार मिलने आया हूँ मैं तो, मैंने उनको नाम भी बताया अपना जी। उन्होंने मेरे से मिलके बोला भी था कि दोबारा मिल जाऊँ आपसे, मेरे से दो बार भी मिले थे वो। अच्छा, फोटो भी खिंचवाया था उन्होंने मेरे साथ। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? नहीं, मैं ग्वालियर से कांग्रेस पार्टी से हूँ जी, और केवल यादव हूँ मैं, इसलिए मिलने आया और अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि अखिलेश यादव की मोहब्बत या उनकी दीवानगी ग्वालियर से आपको यहाँ तक खींच लेके आए तो गलत नहीं होगा? हाँ, उनकी मोहब्बत रंग खींच के लाती है जी। बिल्कुल, ग्वालियर में आपको सिंधिया जी भी हैं, आपको पता होगा, और आपके मामा जिसे कहते हैं बहुत प्रचलित नाम है मामा, मामा से कितने खुश हैं आप? मामा क्या है, वो तो कलंक है मामा के नाव पे। मामा कलंक है वो तो? मामा है कंस मामा। ये एक भांजा कह रहा है, देख लीजिए, मामा के कलंक कह रहे हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम अभी MBBS की पढ़ाई थी उन्होंने हिंदी में कर दी, लगातार वो स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ग्वालियर में जरा जाके देखो कितने जो बेरोजगार फिर रहे हैं जी। निमंत्रण इनके तरफ करने के लिए हमारी टीम वहां पर आएगी, तो इस बार मध्य प्रदेश में गायों से इतना परेशान है युवा, सब पूरा बुजुर्ग इतने परेशान हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाइयों से लोग बाग परेशान है, युवा बेरोजगार रोड़ों पे फिर रहे हैं ठोकर खाते हुए। मध्य प्रदेश में अगर इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा किसकी सरकार बनेगी? मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने को जा रही है, आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले। पार्टी का वहाँ पर क्या स्तर है मध्य प्रदेश की बात करें? अभी समाजवादी पार्टी का कोई नॉर्मली स्तर ही है जी, लेकिन इस बार कांग्रेस की लहर है और कमलनाथ जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी बनने को जा रहे हैं जी। क्या नाम है आपका भैया? शैलेंद्र यादव जी। लगातार क्योंकि आप जैसे युवा, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को वहाँ पर खड़े करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे आपकी मीटिंग हो रही है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें हैं। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन इस बार कितनी सीटें जीतेगी? लगभग 65-70 के समथिंग सीट जाने से जीत जाएगी। योगी आदित्यनाथ जी को जानते ही होंगे? बिल्कुल जानते हैं। कैसे लगते हैं वो? लगते क्या है, वो तो हम उनको देख के ही बना के जाते हैं बहुत बेंगाल। ऐसी क्या बात हो गई? अरे बाबा जी तो बाबा जी हैं, वो तो क्या, वो तो बेच जाएंगे देश को। देश को बेच देंगे? वो तो कहते हैं हम देश को बना रहे हैं, युवाओं की पूरी झोली भरे हैं रोजगार से। बाबा भुजंगी हैं, ये क्या करेंगे। यानी एक जो है अखिलेश यादव से मोहब्बत करते हैं और एक बाबा से नफरत करते हैं। अखिलेश यादव आपके दिल में उनकी कितनी जगह है? अखिलेश यादव बहुत, सबसे ज्यादा इन्हीं के लिए जगह है जी। मेरे लिए प्रधानमंत्री के तौर पे अगर देखा जाए 2024 में किसको देखेंगे, एक बड़ा सवाल आपके लिए। बड़ा सवाल यही है कि इनको ही बनना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं में एक मुख्यमंत्री बने, इस चक्कर में इन्हीं को चुनना चाहिए PM के लिए जी। और PM नहीं बने तो फिर गृह मंत्री पद तो युवाओं के दिल में जगह है आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री जी के लिए। एक जो आरोप लगता है, क्योंकि अभी छतरपुर की मैं बात कर रहा था, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, भ्रष्टाचार की लंबी चौड़ी लिस्ट गिना दी, परिवारवाद के नाम पर समाजवादी पार्टी को आर्यहट तो ले लिया। आपको लगता है समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है? हाँ जी, एकता भी है समाजवादी पार्टी में, और अभी जिला सीधी में MP में जी BJP कार्यकर्ता, BJP जिला अध्यक्ष था, उसने एक आदिवासी, वीडियो वायरल हुआ था आदिवासी के सर पे टॉयलेट कर रहा था जी, उससे ही पता चल रहा है कि BJP में
जी, इसी पे हम आते हैं क्योंकि ये सवाल आपसे पूछना ज़रूरी है। मध्य प्रदेश से आप आते हैं, वहाँ पर ये मामला जो है बहुत, एक मामला सिर्फ नहीं है, लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं जहाँ पर आदिवासियों दलितों के ऊपर ऐसे उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं। ओनली यूपी और एमपी नहीं, बीजेपी तो सारे देश में जी, बीजेपी नाम ही कलंक हो गया है। यानी इस बार 2024 में बीजेपी सत्ता से आउट या इन? आउट है, आउट हो जाएगी। ये आपका श्राप है कि आपकी भविष्यवाणी है? अरे श्राप है, श्राप है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो नाम ही कलम के, अब तो देश, सारे देश के अंदर जो घटना हुई थी वहाँ पर, जिसके आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया गया, जो अपने आप में बहुत ज्यादा दिल को झकझोर देने वाली है। मामा जी बेकायदा उसको घर में बुलाते हैं, पैर धुलते हैं, खाना खिलाते हैं, और उसके बाद फिर ऐसी घटना क्यों हो जाती है? केवल एक नौटंकी है, उनको चुनाव पर करीबन चुनाव के 4 महीने बचे हैं जी, उनको कैसे भी करके अपनी पार्टी को लाना है तो कुछ भी कर सकते हो। तो कांग्रेस के लिए आप लोग प्रचार वगैरह करते हैं? सर पे भी बैठा के घुमा सकते हैं जी। तो उनके तरफ से मतलब जो कांग्रेस, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस के सरकार है, कमलनाथ की बात करें या दिग्विजय सिंह की बात करें, लगातार ऐसे दो वहाँ पे प्रमुख नेता हैं। सिंधिया जी की बात कर लें, पार्टी से वो निकल गए हैं, क्या आपको लगता है उनके जाने से 2024 में या जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव है उससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अच्छा, उनके जाने से तो ग्वालियर में महापौर भी कांग्रेस की बनी है जी, 55 साल में महापौर कांग्रेस की बनी है, और वो थे ना तब बीजेपी की कांग्रेस थी जी, वो हाँ बीजेपी की महापौर। जैसा कि आप युवाओं को सुन रहे हैं, यानी मध्य प्रदेश से सीधे उत्तर प्रदेश को साधने की नौबत यहाँ पर आ रही है। आप देख सकते हैं दो युवा जो हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव से आज इनकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई, और उनके तरफ से वादा किया गया कि हम आपसे दोबारा मिलेंगे। हम छत्तीसगढ़ भी जाएंगे, हम राजस्थान भी जाएंगे, मध्य प्रदेश भी जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति परिस्थिति बदल रही है, विधानसभा यानी 2024 का सेमीफाइनल हम मान सकते हैं तीनों राज्यों का, और उसी के चलते यहाँ पर आज दो युवा मौजूद हैं जो ग्वालियर से आते हैं और अखिलेश यादव जी की दीवानगी में यहाँ पर सीधे खींचे चले आए।